हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हम बात करने वाले हैं डू और डाई टॉपिक्स पर। एक क्विक और शॉर्ट वीडियो होगा, बहुत ही ऑसम करने वाले हैं और बहुत क्विकली सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, राइट। सो फटाफट से अपना पेन और पेपर उठाइए और नोट डाउन करना शुरू करिए। पास्ट 15 ईयर्स के एनालिसिस पर बेस्ड मैं आपको ये डेटा बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको देखो यार, किसी भी बिल्डिंग को अगर बहुत खूबसूरत बनाना होता है ना, तो उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, राइट। ठीक है, सो इफ़ यू वॉन्ट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग फॉर यू, देन उसका फाउंडेशन उतना ही मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स और आप लोगों को जो वेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो वंस यू कंप्लीट द बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स, आफ्टर दैट अब आपको कैसे मूव ऑन करना है, तो सेकंड यू कैन गो विथ क्या, मॉडर्न फिजिक्स, है ना। तो अब नोट डाउन करना मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है बहुत आसान, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लोगों ने उसमें केमिस्ट्री में पढ़ी होती है, तो बहुत जल्दी से कम्प्लीट हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या, तो मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आ गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आ जाता मैटर इज अ वेव, फिर आ जाता आपका न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये पांच चैप्टर्स हैं, बहुत ईजी होता है, सो इसे आप बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक बार मॉडर्न फिजिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। एंड ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स अगर आप कर लेते तो 12 टू 16 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। दिस विल गिव यू एन कॉन्फिडेंस, राइट। उसके बाद आप स्विच करिए 11th के बेसिक टॉपिक्स पर, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, आसान है लेकिन एक सवाल हमेशा मिलता है, ठीक है। अब अगर इजी है और आपको हमेशा एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो चार नंबर बुरे किसको लगेंगे भाई, चार नंबर मिल रहे हैं और चार नंबर से रैंक डिफाइन होगी। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशन पर आ गए, उसके बाद में एरर इन मेजरमेंट, राइट, जो भी मंथन पे मैंने पढ़ा रखा है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर एंड सर्कुलर मोशन, यहाँ तक का मैकेनिक्स आप पहले कर लो, ठीक है। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, फिर आप आ जाइए यूनिट्स एंड डायमेंशन, देन आपका आ जाता है एरर्स इन मेजरमेंट, देन काइनेमेटिक्स 1D, 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन। आफ्टर दैट आपको स्विच करना है 12th के जो टॉपिक्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप कंप्लीट करें, देन कैपेसिटर करें, एंड देन आप करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद, नाउ यू कैन स्विच टू थर्मल फिजिक्स। देखो थर्मल फिजिक्स ना लगती बहुत टफ है, लेकिन है बहुत ईजी, उसके पीछे कारण है। आप थर्मल फिजिक्स में स्विच चाहो तो पहले भी कर सकते हो, पहले यानी कि कब, जब आपका मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया उसके जस्ट बाद भी यू कैन स्विच टू द थर्मल फिजिक्स, बिकॉज आप लोग केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखे होते हो, तो आपको वहाँ पर एडिशनल एफर्ट नहीं मारने पड़ते हैं, आपको वहाँ पर ये नहीं करना पड़ेगा कि यार कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, अलग से कुछ पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। सो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप स्विच करिए थर्मल फिजिक्स पर। थर्मल फिजिक्स में राइट आपका थर्मोमेट्री यानी कि हीट एंड टेम्परेचर, देन कैलोरीमेट्री हो गया, देन आपके थर्मोडायनामिक्स में आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन चैप्टर हो गए, थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो गया, उसको साइड करो। अब आप स्विच कर सकते हैं, फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब आपके पास बचता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, 12th के ये तीन चैप्टर्स अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स, ठीक है, और 11th का बचता है सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इन चैप्टर्स को थोड़ा सा हायर साइड हम लेकर चलते हैं, थोड़ा सा टफ साइड लेकर चलते हैं, एकदम से समझ में नहीं आते हैं। तो अगर आप इजी चैप्टर्स से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम शुरू यूनिट एंड डायमेंशन से ही करें, आप शुरू मॉडर्न फिजिक्स से कर दीजिए। तो मैं एक बार फिर से क्विक रिकैप करा देता हूँ बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स से शुरू कर सकते हो आप, देन यू कम टू द यूनिट्स एंड डायमेंशन टिल सर्कुलर मोशन, ठीक है। चैप्टर सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर इन मेजरमेंट, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
तो उसके बाद आप आ जाइए काइनेमैटिक्स 1D 2D न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, राइट। यहाँ पर मैकेनिक्स को रोक दीजिए। उसके बाद आप जंप कर सकते हैं ईदर टू द थर्मल फिजिक्स और यू कैन जंप टू द 12th वाला पोर्शन एज वेल। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और जब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप टफ चैप्टर्स को भी आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार में, राइट, जब आप सिटिंग दें फिर से इतने सारे चैप्टर्स करने के बाद में, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप पहले करिएगा ऑप्टिक्स वाला पार्ट। टफ लगता है लेकिन उतना टफ नहीं है और उतने भारी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इजी पड़ेगा, ठीक है। सो आप ऑप्टिक्स पर स्विच कर सकते हैं या फिर आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है क्लास 12th का, आप उस पर स्विच कर सकते हैं, या फिर आप स्विच कर सकते हैं जो 11th का सेकेंड जो मॉड्यूल है या सेकेंड जो पार्ट है एनसीईआरटी का, दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स है या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है या फिर SHM है, वेव्स है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, राइट। सो ये कुछ डू और डाई टॉपिक्स का मतलब होता है कि इजी टॉपिक्स बट जिन्हें करना बेहद ज़रूरी है, राइट। तो दिस इज़ द सिक्वेंस दैट आई शेयर्ड विथ यू पीपल। ये एक शॉर्ट वीडियो था, होप दिस हेल्प यू, एंड मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में, ठीक है। मंथन की क्लासेस फिर से रिज्यूम हो रही है मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो आप मचाते रहिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई थॉट कि यार एक छोटा सा क्विक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि यार कौन कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं और कौन कौन से टॉपिक हम बाद में कर सकते हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है, लास्ट ईयर मैंने बनाया था, 180 आउट ऑफ 180 आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया है इजी, मीडियम और हार्ड टॉपिक बनाकर, राइट, कि दीज आर द इजी टॉपिक, दीज आर द मीडियम एंड दीज आर द हार्ड वन। तो आप चाहें तो डिटेल के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या, अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हमेशा की तरह मचाते रहिएगा, ठीक।